करके। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दर्जियान मोहल्ले में रहने वाले सद्दाम नाम के युवक की देर रात हिमगिरी रेलवे फाटक के पास हत्या कर दी गई थी। जिस वक्त सद्दाम को गोली मारी गई थी उस वक्त वह अपने घर से पैदल ही घूमने निकला था। अंधेरे में छिपे बदमाशों ने सद्दाम को 3 से 4 गोली मारी और जब तक लोग को समझ पाते बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सद्दाम के परिजनों ने पुलिस पर हत्या को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने ही सद्दाम को मुखबिर बनाया था और सद्दाम के जरिए पुलिस ड्रग्स बेचने वालों से अवैध वसूली कराती थी। परिजनों द्वारा 2 लोगों को विकास और विमल के खिलाफ नामदर्ज मुकदमा दर्ज कराया था। विकास और विमल सट्टे ड्रग्स का कारोबार करते थे। सद्दाम के मुखबिर पर ही विकास ने विकास और विमल को गिरफ्तार किया था। परिजनों ने बताया था कि नरेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम जो कि पुलिस में उनके द्वारा 70,000 रुपए लेकर छोड़ दिए गए थे, जिसके बाद से विकास और विमल दोनों सद्दाम से रंजिश रखने लगे थे। पुलिस द्वारा पूछताछ में दोनों ने बताया कि उनके ही द्वारा महेश नाम के युवक को सद्दाम की सुपारी दी गई थी और मौका मिलते ही महेश ने 3 अगस्त की रात को हरतला रेलवे क्रॉसिंग पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को काफी मशक्कत के बाद आज सुबह सूचना मिली कि महेश सिविल लाइन थाना स्थित हिमगिरी कॉलोनी में छुपा हुआ है। जब पुलिस महेश को गिरफ्तार करने पहुंची तो महेश ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस द्वारा फायरिंग में महेश के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने महेश को गिरफ्तार कर लिया और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां महेश का उपचार चल रहा है। पुलिस को महेश के पास से 4 तमंचे और कारतूस भी मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज देखे गए और मुखबिर से जो है उनकी कराई गई पहचान, तो शिनाख्त जो है वो एक बदमाश के रूप में जिसकी धरपकड़ के लिए टीम लगी हुई थी। उसी दौरान जब एक सूचना प्राप्त हुई कि वो बदमाश कहीं जा रहा है, तब पुलिस ने उसकी घेराबंदी करने का प्रयास किया, जिसके क्रम में उस बदमाश द्वारा जो है पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जो है फायरिंग की गई, जिससे कि बदमाश के पैर में जो है गोली लग गई है और उसे फिर जिला अस्पताल लेके आया गया। अभी खतरे से बाहर है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सद्दाम वाला क्या मामला है, पूरा जो है सद्दाम से ये मिला हुआ है क्या था, कितने की सुपारी दी थी इसके? इसने 3 लोगों का ये पूरा कार्य है। इस जैसा कि इसके द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति विकास नाम के व्यक्ति ने इसको और एक और व्यक्ति को सद्दाम को मारने के लिए कुछ पैसे दिए थे, जिसके क्रम में इनके द्वारा उसको गोली चलाई गई। उसमें कोई पुलिसकर्मी सस्पेंड की? कुछ जांच कराई गई थी कि कुछ लापरवाही इससे पूर्व के प्रकरण में बरती गई है, उस संबंध में कार्रवाई की गई। परसों की हत्या में वांछित चल रहा। इसके पास से कुछ अफला वगैरह कोई बरामद? इसके पास से 4 तमंचे और कुछ कारतूस बरामद किए।